देश के प्रख्यात चिंतक और समाजवादी राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज जयंती है। देश भर के राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें स्मरण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने लोहिया को जयंती पर श्रद्धांजलि दिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की थी और पीएचडी की डिग्री हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन से हासिल किया था। विदेश से लौटने के बाद वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। रोहतास जिले के करगहर में भी जदयू कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा लोहिया को याद किया गया है। मौजूद नेताओं ने लोहिया को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। 100 बात की एक बात यह है कि आज ही के दिन भगत सिंह का लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। आज उनका शहादत दिवस भी है। भगत सिंह को ही उतना ही याद करना चाहिए जितना कि अन्य को। आज हम लोग देश के महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जयंती मनाए जिसने हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के सभी समाज के पदाधिकारी जो है सभी उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। आपका क्या नाम है? बच्चा सिंह। अच्छा, क्या नाम है? आप क्या हैं यहाँ के? अच्छा, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये हम लोग के देश के समाजवादी नेता हैं। इनके प्रमुख पर हमारे पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी कार्य करते हैं, काम करते हैं और उनके हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग का आदेश था कि आज इनका जयंती मनाना, मनाए। ठीक।